हेलो एंड हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं स्मृति एंड मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हाउ टू एंगेज योर चाइल्ड। आप किस तरह से और कैसे अपने बच्चों को एंगेज कराते हैं, जैसे कि छुट्टियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, समर ब्रेक आ गया है। बहुत बच्चे का ऑलरेडी समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत बच्चे का भी आने वाला है। सो आई नो आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे और साथ में कंसर्न भी होंगे कि किस तरह से और कैसे आप अपने बच्चों को एंगेज कराओगे, इन्वॉल्व कराओगे। सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। सो देर ना करके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू एंगेज योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को किस तरह से और कैसे एंगेज कराओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ प्लान। एक प्लान बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ भी चीज करने से पहले वी मेक अ प्लान। सो उसी तरह आपको भी एक प्लान बनाना होगा। सो बिफोर मेकिंग अ प्लान देयर आर थ्री थिंग्स विच यू नीड टू नो, जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। डेवलपमेंट, एज एंड इंटरेस्ट। क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक डेवलपमेंट होता है। सो डेवलपमेंट को ध्यान पे रख के यू नीड टू मेक अ प्लान। एज, तो एज तो आपको पता ही है, एज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। क्योंकि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग रहता है। सो ये तीन चीज जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर मेकिंग अ प्लान। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ विल यू मेक अ प्लान। आप प्लान कैसे बनाओगे? सो लेट मी सजेस्ट यू, यू कैन मेक अ टाइम टेबल। क्योंकि टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, एक अच्छे से स्केड्यूल हो जाता है पूरा दिन का। एंड टाइम टेबल इज़ वेरी इजी एंड आप कहीं पे भी बना सकते हो, चार्ट पेपर पे बना सकते हो, स्लेट पे बना सकते हो। एंड आजकल इनफैक्ट डिजिटल स्लेट भी अवेलेबल है, आप कहीं पे ले भी जा सकते हो। सो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल। नाउ टाइम टेबल भी अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे कि कोई कोई डेली बेसिस के हिसाब से बनाते हैं, कोई कोई वीक के हिसाब से बनाते हैं एंड कोई कोई मंथ के हिसाब से बनाते हैं। विच एवर यू थिंक कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, आप उसी हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाइए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। सो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे, हाउ विल यू मेक? सो आई एम गोइंग टू गाइड यू, मैं आप लोग को गाइड करूँगी कि आप अपने टाइम टेबल पे क्या क्या चीज ऐड कर सकते हो, व्हाट यू कैन ऐड। एंड मेनली टाइम टेबल आपको ही बनाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट, एज एंड इंटरेस्ट अलग होता है। सो बेस्ड ऑन दैट आपको सब कुछ देख के एक टाइम टेबल बनाना है। बट नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू, मैं आप लोग को गाइड करूँगी। सो फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ गुड फिजिकल फाउंडेशन। सो बच्चों के फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, बेटर पोस्चर्स, वेट मैनेजमेंट होने के साथ साथ उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर के लिए भी फिजिकल मूवमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीडे लाइफ। हेल्दी मील प्रिपरेशन। हेल्दी मील प्रिपरेशन, गुड न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा न्यूट्रिशन,
बच्चे के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को बचपन से ही गाइड करोगे एक हेल्दी बैलेंस मील प्रिपरेशन कैसे करते हैं, दे विल लर्न एंड इन दिस वे दे विल गो फॉर अ हेल्दी बैलेंस डाइट। एंड छुट्टियों के लिए भी इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज फॉर देम। Any activity. There are different indoor and outdoor activities. जैसे कि they can do art and craft, bike ride, painting, hiking, swimming, go for fishing, flying a kite. So इस तरह की activity आप बच्चों को involve करा सकते हो जो बच्चों के लिए बहुत ही important है. They will learn to manage time, self-confidence बढ़ेंगे एंड उसके साथ सोशल स्किल्स कि किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। सो इन दिस वे दे विल लर्न एंड डेवलप। हाउसहोल्ड चोर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउसहोल्ड चोर्स, घर का काम करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइफ स्किल्स जो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। They will learn to be independent. They will learn taking responsibilities. They will learn to plan. They will learn to manage time. Yes! Very good! Reading books. Reading books help your child to improve language skills, communication skills, imagination and creativity skills. Or agar aap early age mein start kar doge, it will help your child to learn and know different sounds, words and language. In fact, ye bhi dekha gaya hai ki reading helps in developing a special bond with your child. Gardening and planting. अगर आप एक गार्डन को बनाने के लिए प्लान करते हो, उसके बाद यू प्लान द सीड्स एंड फाइनली व्हेन यू वॉच देम ग्रो, व्हाट डू यू फील? डू यू फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो उसी तरह बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पेशेंस रखना सीखते हैं. And also they will love doing it. Interaction is one of the most important aspects of any child's development. सो जितना हो सके ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, क्योंकि दे विल लर्न टू कम्युनिकेट और उसके साथ साथ दे विल बिगिन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इमोशंस. और आप वो स्टोरी टेलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे फील. And of course, make it fun and interesting. जो भी एक्टिविटी आप करो, मेक इट फन एंड इंटरेस्टिंग, जो सीखने के साथ साथ दे ऑल्सो एंजॉय डूइंग इट.
और एक चीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर मेकिंग द टाइम टेबल. सो टाइम टेबल बनाने के बाद आप ऐसे जगह पे प्लेस कीजिए सो विजिबिलिटी बहुत अच्छे से हो, क्योंकि एक अच्छा विजिबल होने से क्या होता है, आपको पता रहता है कि ओके सो दिस इज द टाइम आई शुड डू दिस. सो आप वैसे कर सकते हो. सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस. तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेहतमंद रहिए. बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.